दोस्तों आज की कहानी है ननद रानी आप अपने पति के बिना कैसे रह लेती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर से पाली और समीर एक दूसरे से बिना बातें किए करवट बदल कर सो गए। अब तो ये बात आम हो चुकी थी कि सोते समय वह दोनों अपने अपने मोबाइल चेक करके बिना एक दूसरे से बात किए सो जाते थे। उनके आपसी वैवाहिक रिश्ते बेरंग जो पड़ चुके थे। शेफाली और समीर की शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे और दो बच्चे भी थे, एक छोटा बेटा और एक बड़ी बेटी। उनका पारिवारिक जीवन अच्छे से चल रहा था। बच्चे दोनों अच्छे स्कूल में थे। समीर की भी बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी थी। शेफाली पढ़ी हुई समझदार औरत थी पर उसने नौकरी के बजाय अपने परिवार को प्राथमिकता देते हुए गृहिणी बनकर रहने का चुनाव किया बजाय नौकरी करने के। समीर के माता पिता का पूरा ध्यान रखना, समीर और बच्चों का ध्यान, घर बार, रिश्तेदारी, बच्चों के स्कूल से संबंधित सारे काम शेफाली भली भांति कर लेती थी। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसके काम खत्म होने में ही नहीं आते पर सहरे पर एक सिकंद तक नहीं आती। पर उन दोनों का वैवाहिक जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। दोनों साथ में सोते जरूर थे पर अलग अलग दिशा में मुंह करके। ऐसा भी नहीं था कि उनमें आपस में लड़ाई हो पर पता नहीं रात होते होते किसी न किसी बात पर उनकी बहस आए दिन हो जाती और फिर वही दोनों को मन मार कर सोना पड़ता। उनके बीच का रोमांस घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी में कहीं दब कर रह गया था। दोनों साथे हुए भी एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं पा रहे थे और जो ईसा एक पति को पत्नी से और पत्नी को पति से पूरी होने की साथ होती है वो नहीं हो पा रही थी। शायद इसी वजह से दोनों आपस में सिड़ सिड़े हो गए थे। कहने को दोनों पति पत्नी थे और सबके सामने लोग उनके जोड़े की तारीफ करते नहीं थकते थे पर अपने कमरे में दोनों अजनबी जैसा व्यवहार करते थे। कभी शेफाली का मन होता तो कभी समीर जल्दी सो जाता, कभी शेफाली बच्चों के साथ जल्दी सो जाती और समीर इंतजार करता रह जाता। बस ऐसे ही दोनों की रातें निकल जाती अपनी मन की बातें एक दूसरे से किए बिना। ये वही शेफाली थी जिसको समीर के बिना कभी नींद तक नहीं आती थी और अपनी ननन और सहेलियों से बोलती, क्या यार आप लोग कैसे सो जाते हो अपने पति के बिना? दीदी आपको भी जीजू के बिना नींद आ जाती है क्या? मुझे तो समीर के बिना बिल्कुल नींद नहीं आती जब तक मैं उनके सिपक कर नहीं सोती और सब उसकी बातों पर हंसते हो और बोलते, बेटा अभी नई नई शादी हुई है तेरी, बस 2 साल हुए हैं और अभी तू फ्री है, अभी होने दे एक बार बच्चे, फिर देखना कहाँ तेरा पति और कहाँ तू, तुझे भी अपने पति के बिना आ जाएगी नींद? अरे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कितनी ही कोशिश कर ली उनके बिना सोने की पर बड़ी मुश्किल होती है यार सोने में। और कहकर शेफाली शर्मा जाती और सच में शेफाली और समीर बच्चों के होने के बाद भी कोशिश करते कि रात का समय तो कम से कम एक दूसरे को देना चाहिए ताकि थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिता सके क्योंकि दिन में तो दोनों अपने
अपने काम में बिजी रहते थे और फिर परिवार भी साथ ही था, इसलिए उनका दिन तो नहीं पर रातें अक्सर साथ ही गुजरती थी और एक दूसरे के साथ रहने से उनकी थकान भी चुटकियों में दूर हो जाती थी। पर धीरे धीरे जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे तो सबका एक साथ सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तब दोनों ने तय किया कि समीर अलग कमरे में सोएगा और शेफाली बच्चों को सुलाने के बाद समीर के पास सो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बच्चों को सुलाते सुलाते कब शेफाली को नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। और जब सुबह आँख खुलती तो सास ससुर जी पहले से जागे होते। सुबह समीर का मुंह सूजा होता वो अलग, फिर सुबह शेफाली अपने काम में लग जाती और समीर भी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस निकल जाता। काम से फ्री होती तो बच्चों का होमवर्क स्कूल प्राइवेट प्रोजेक्ट में लग जाती और दिन भर में जबकि भी नहीं ले पाती। शाम को फिर वही घर का काम। समीर के आने के बाद समीर साता की शेफाली थोड़ी देर उसके साथ भी बैठे थक हार कर आया है तो दो पल उससे बातें करे। पर शेफाली सोचती जल्दी से बसा हुआ काम निपटा लूं ताकि फिर आराम से बैठ सकूं और अपने काम में लग जाती। समीर अपने टीवी और फोन में मस्त हो जाता। फिर शेफाली साथी कि थोड़ी देर साथ बैठे तब तक बच्चे आ जाते और फिर उनके सामने दोनों को आपस की बातें करना उचित नहीं लगता। अब शेफाली और समीर का पति पत्नी का रिश्ता तो लगभग ख़त्म सा ही हो गया, क्योंकि दोनों माँ बाप जो बन गए थे। लगता समीर बस पैसे कमाता है और शेफाली घर का काम करती है। जैसे जैसे साल बीत रहे थे उनके बीच बातें बहुत ही कम होती जा रही थी। उनका वैवाहिक जीवन तो जैसे मर ही चुका था। उनके बीच रोमांस की जगह बहस ने ले ली थी, पर पति पत्नी के लिए जैसे और जरूरतें पूरी करना जरूरी है वैसे ही एक दूसरे की जरूरत भी पूरी करना बहुत जरूरी होता है। शारीरिक जरूरत नहीं तो मन बेचैन रहता है। वही उन दोनों के साथ बीता, दोनों थके हुए लगते थे। घर का माहौल भी सुख सा ही रहता और जिस दिन कभी महीने में एक दो बार दोनों साथ होते तो दोनों बड़े ही खुश नजर आते। खिले खिले से शेफाली बहुत सोचती कि आज समीर को जरूर खुश करेगी। पर उस दिन समीर ऑफिस से ही उखड़ा हुआ आता और बस फ्री होकर अपने कमरे में चला जाता। शेफाली कुछ बोलना भी चाहती तो समीर सुनता ही नहीं था। शेफाली भी मन मार कर बच्चों के साथ ही सो जाती। दोनों बाहर से शांत होते पर मन में अजीब हलचल मची रहती थी जो दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने से ही ख़त्म होती और ऐसा बहुत कम होता था। संडे सैटरडे कहने को तो ऑफिस और स्कूल की छुट्टी होती, पर शेफाली जैसी गृहिणियों के लिए वह दिन कुछ ज़्यादा ही बिजी होते थे।